Welcome to the description of toxicity associated with packaging material and processing operations. Maillard reaction married and divided. Maillard reaction जो है amino acid और reducing sugar के chemical reaction से बनता है और इसका positive aspect ये है कि इसमें हमें हट के color, flavor, aroma और texture मिलता है जो एक normal product का होता है, यानी उससे एक हमें different flavor मिलता है जो कि market में जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है, इसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट का जो फ्लेवर कलर वगैरह नहीं रहता और उसके साथ प्रोटीन जो है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। जब हम ऑयल को हीट करते हैं तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं। ट्रांस फैटी एसिड जो हैं वो स्पेशली दिल, जिन लोगों को दिल की बीमारी है उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। वो लोग जिनको दिल की बीमारी होती है, डॉक्टर उनको तंबीह करते हैं कि आपको कभी भी ऑयली प्रोडक्ट नहीं खाने, क्योंकि जब हम उसको थोड़ा सा हीट करते हैं उसमें ट्रांस फैटी एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं। ट्रांस फैटी एसिड जो हैं वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों के खतरा जो हैं मज़ीद बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी फ्रॉम हीटिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल। जब हम किसी भी ऑयल और फैट को हीट करते हैं तो उसमें बहुत से रिएक्शन होते हैं। कभी उसमें ऑक्सीडेशन होती है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनती है, हाइड्रोलिसिस होती है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनती है, पॉलीमराइजेशन होती है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनती है। तो जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसमें उसमें फ्री फैटी एसिड्स, रेडिकल्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स, लैक्टोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, हाइड्रोपरोक्साइड, एल्डिहाइड बनते हैं। और ये जब ऑयल में बनते हैं तो लाजमी सी बात है फ्राइड प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जब इंसान खाता है तो उसमें मौजूद ह्यूमन बॉडी में मौजूद सेल्स को डैमेज करता है, जिससे कैंसर के खतरात जो हैं बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम चिप्स को फ्राई करते हैं तो उसमें एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन बहुत हद तक देखी जाती है, क्योंकि जो भी चिप्स बनाने वाला है उसका दिल करता है कि मैं सारे ऑयल को, वो कभी जब ऑयल की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम होती है उसमें मज़ीद ऐड कर देता है, यानी कि उसको चाहिए कि दिन में एक ही दफ़ा उसको यूज़ करे। ये नहीं है कि बार बार उसे यूज़ करता रहे, अगर बार बार यूज़ करता है तो उसका बिल्कुल जायका कड़वा हो जाता है, उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स, रेडिकल्स, बाकी सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं। लाजमी सी बात है वो फ्राइड प्रोडक्ट में भी आएंगे। और अगर आपने देखा होगा कि अगर आप चिप्स और समोसे जो हैं सुबह सुबह लेंगे तो वो आपको उनका जायका और होगा, अगर शाम को उस बनाने वाले ने उसका ऑयल चेंज नहीं किया और फिर आप लेते हैं तो जायका टोटली डिफरेंट होगा, कड़वा कड़वा होगा। तो एक्रिलामाइड कंसंट्रेशन जो है उसमें काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जो कि कहा जाता है कि 0.2 माइक्रोग्राम पर डे इंसान को लेनी चाहिए। सो इसीलिए आपने अगर डिफरेंट ऑयल देखे हों तो उनमें डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं, जिसमें विटामिन ई है, अल्फा टोकोफेरोल है, ताकि जो डिफरेंट रेडिकल कंसंट्रेशन है वो कम बने। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी फ्रॉम बारबेक्यूड फूड। जब हम फूड को डायरेक्टली हीट करते हैं तो उसमें दो कंपाउंड बनते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं। एक जो कंपाउंड है हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक अमाइंस और दूसरा है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये दोनों जो हैं ये डीएनए को डैमेज करते हैं और कैंसर के जो खतरात हैं इससे बढ़ जाते हैं। तो फॉर सेफ्टी रीजन ये कहा जाता है जब भी आपने कोई चीज़ फ्राई करनी हो तो 180 सेंटीग्रेड से बिलो करें। सेकेंडली उसको थोड़े टाइम के लिए करें। थर्डली उसको ये करें, फॉर एग्जांपल आपने पकौड़े बनाने हैं या समोसे बनाने हैं तो ऐसा करें, अपने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें, उसमें कुछ चीज़ फ्राई कर लें जब तक ऑयल ख़त्म हो जाए, फिर उसमें दोबारा ऐड करें, यानी कि एक दो समोसे फॉर एग्जाम्पल इतना ऑयल डालें कि उसमें चार पाँच समोसे वो तल जाएँ, फिर जब ऑयल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए फिर उसमें और ऐड करें। और फिर इस तरीके से, ये नहीं है कि एक ही दफ़ा भरते हैं और फिर सारे समोसे उसी में डालें, तो ये होगा कि ट्रांस फैटी एसिड्स, एल्डिहाइड, कीटोन वो सारे ऐसे बन जाएंगे जिसकी वजह से आपके जो वो क्योंकि वो रेडिकल हैं, वो रेडिकल जाके सेलों को डैमेज करेंगे, डीएनए को डैमेज करेंगे, जिससे कैंसर का म्यूटेशन हो जाएगी और कैंसर के असरात बढ़ जाएंगे। तो इस ये भी कहा जाता है कि आपको इंटरमीडिएट हीटिंग और कूलिंग, आपको ये नहीं है कि एक दफ़ा हीट किया फिर उसी वक्त कूल कर लिया, उससे पॉलीमर बन जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब बात करते हैं टॉक्सिसिटी फ्रॉम प्लास्टिक मटेरियल।
प्लास्टिक मटेरियल जो है उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, क्योंकि ये पैंपों में यूज होता है। अक्सर आपने देखा होगा मिल्क इंडस्ट्री में पैंप बहुत ज़्यादा यूज होते हैं मिल्क को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये इसमें जो इसका कंपोजिशन मटेरियल है वो विनाइल क्लोराइड है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए नुकसानदेह है। सेकंड है पॉलीथाइलीन, ये फिल्में बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने निम्को को जो पैक करते हैं उसके ऊपर जो प्लास्टिक एक मटेरियल लगा होता है वो पॉलीथाइलीन है। इसके अलावा ग्रोसरी के बैग्स इससे बनते हैं, टोकरियां बनती हैं, और इसमें कोई टॉक्सिसिटी जो है इन्वेस्टिगेट नहीं की गई। नेक्स्ट है पॉलीथाइलीन टेराप्थैलेट, यानी कि पेट की बोतलें। पेट की बोतलें ये जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं या वैसे जो भी बोतलें बनाई जाती हैं वो ज़्यादातर पेट की होती हैं। तो इसमें एक कंपाउंड यूज होता है पैथलेट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लचक देता है, और ये अगर इसको अगर मेन फूड के साथ इसकी कोई इंट्रैक्शन हो जाए तो उससे ये होता है कि अर्ली पबर्टी हो जाती है, आपको ये फर्टिलिटी जो है इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और पेट को वैसे भी ये समझा जाता है कि पेट जो है ये माहौल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये डिग्रेड आसानी से नहीं होता। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं उन्होंने अब एक जिसे कहते हैं कपड़े का बैग, वो उसको तरजीह दे रहे हैं इसकी बजाय के प्लास्टिक के बैग्स को। जितने भी पैकेजिंग है उसमें 48% प्लास्टिक यूज होता है, जबकि 34% जो है वो सेलुलोज यूज होता है। तो पहले आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो अनाज था वो बोरियों में लोग भरते थे, लेकिन अब बोरियों में नहीं भरते बल्कि प्लास्टिक के बैगों में यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के बैग जो हैं बहुत ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। अब बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन की, इसमें वो प्लास्टिक आ जाता है जो बिल्कुल सख्त होता है, जिस तरह शैम्पू की बोतलें, इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं देखी गई। उसके बाद आ जाता है लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नया लैपटॉप लिया है तो उसके साइडों में फोम होता है जो लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन कहलाता है, और इसमें भी कोई हार्मफुल कोई इसमें कंपाउंड नहीं देखा गया अभी तक। उसके बाद आ जाता है पॉली प्रोपलीन, इससे डिस्पोजेबल कप बनाए जाते हैं और ये भी सेफेस्ट है। उसके बाद पॉलीस्टाइरीन है, जिसमें जिससे हम घर में बर्तन बनाए जाते हैं प्लास्टिक के, ये भी सेफेस्ट है। लेकिन जब आपने किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में फूड को गर्म करना है, स्पेशली माइक्रोवेव ओवन में, तो ये देखना है कि ये माइक्रोवेव ओवन के से रेजिस्टेंट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि बाज़ बाज़ बर्तन ऐसे होते हैं बहुत नरम किस्म के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, जो कि अगर माइक्रोवेव ओवन की जब शुआएं पड़ती हैं तो वो खुद पिघल जाते हैं, यानी कि प्लास्टिक मटेरियल जो है फूड में आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है।